असल में ये अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क के अंदर जो रवायत रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। यहाँ पर कभी कोई आके हुकूमत को बरतरफ कर देता है, वज़ीर आज़म को निकाल देता है, वज़ीर आज़म फांसियाँ चढ़ते रहे हैं, वज़ीर आज़म हथकड़ियाँ लगवाते रहे हैं, वज़ीर आज़म जो है वो जला वतन होते रहे हैं। तो ये किस तरह का पाकिस्तान हमने बनाया है, किस तरह की पाकिस्तान की तामीर की है? हम आज अपनी अगली नस्लों को किस तरह का पाकिस्तान देने जा रहे हैं? ये सब चीज़ें जो ना, ये बड़ी अफसोसनाक है, इस पर गौर होना चाहिए। और ये सिलसिला जो है अगर बंद नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान इसी तरह से खुदा ना खास्ता इंतशार का शिकार होता रहेगा। और जैसा कि अभी आपने कहा कि कॉमनवेल्थ के अंदर कोई इज्जत नहीं है, दुनिया में कोई हमारी इज्जत इस वक्त नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। वो मकाम ही हम हासिल नहीं कर सके, और मकाम जब हासिल करने की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में रुक जाते हैं, रास्ते में रुक जाते हैं, रुकावटें आती हैं। और उसके बाद फिर अभी देखिए कि ये जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है, इससे कितना इंतशार फैला है पाकिस्तान में। आज आपके रुपए की कदर कम हो गई है, आज आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी कमी अब पैदा हो रही है, आपके पास आपकी इकॉनमी ख़राब हो रही है। ये सब चीज़ें जो है ये आखिर